वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे का कार्यकाल का पहला बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार हो गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चार नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य दारा सिंह चौहान भी शामिल हैं। और मंत्री पद की शपथ लेने वाले दारा सिंह चौहान ने नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की कर रहा है और सभी लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए काम करेंगे और प्रदेश की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। और क्या कुछ खास कहा दारा सिंह चौहान ने, आप भी सुनिए। तरीके से पिछड़ों का सम्मान मिल रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज हमारे जैसे पिछड़े समाज पर जो भरोसा किया है हमारी पार्टी ने, मैं इसके लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पार्लियामेंट के चुनाव में 80 की 80 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी 400 के लक्ष्य को पार करके फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का हम सपना पूरा करेंगे। आपने पीडीए के फार्मूला को राज्यसभा में तार तार होते देख लिया है, इससे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। और पूरी तरीके से आजादी के 70 साल तक जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, आज विपक्ष बौखलाया इसलिए है कि आज पिछड़े समाज को लगातार जब से 14 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से इसे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अगड़े समाज, हर समाज के लोगों को उन्होंने सम्मान पहचान दिया है। और यही कारण है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा जीत करके पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके 400 के लक्ष्य को पार करके फिर तीसरी बार अपने लोकप्रिय नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मैं 80 में 78, हम तो दो ही तो बढ़ा रहे हैं, ये तो आप लोगों की रिपोर्ट है कि 80 में 78 भाजपा जीत रही, हम तो दो ही बढ़ा रहे हैं। तो पूरा का पूरा 80-80 जीत करके कोई एक एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के सामने टिकने वाला नहीं है। 80 पार करके जीत करके 400 के लक्ष्य को पूरा करके हम फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बना करके ही दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दारा सिंह चौहान जिन्होंने आज ही मंत्री पद की शपथ ली है, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें उन्हें जगह मिली है। हालांकि उपचुनाव वो जो लड़े थे घोसी से हार गए थे, बावजूद इसके पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा किया है और एक बार फिर मंत्री बनाया है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ।